नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट लाइफ लर्निंग चैनल पर। दोस्तों सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर दोस्तों काफ़ी सारे अपडेट निकल कर आ रही है, और साथ साथ दोस्तों आप लोगों के कुछ डाउट्स है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा, डेट शीट कब आएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल के प्रिंसिपल की डिमांड है कि आपके जो एग्जाम है 2021 के वो दोस्तों 15 फरवरी को हो, तो इस चीज़ को लेकर दोस्तों काफ़ी सारी खबरें निकल कर आ रही है, तो प्लीज़ कंप्लीट वॉच करना वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात करता हूँ कि स्कूलों के प्रिंसिपल से सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों यहाँ पर राय मांगी गई है। दोस्तों सिलेबस रिड्यूस को लेकर भी यहाँ पर सीबीएसई ने राय मांगी थी प्रिंसिपलों से, तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर स्कूलों के प्रिंसिपल से कुछ राय मांगी थी, जिसमें से कुछ स्कूल के प्रिंसिपलों का दोस्तों ये कहना है कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2021 हैं वो दोस्तों 15 फरवरी को शुरू होने चाहिए। उनका दोस्तों ये कहना है कि अगर उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं, अगर 40 से 45 दिन आपके एग्ज़ाम डिले कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, तो इसकी दोस्तों जो शेड्यूल होगा, जो आपका स्टडी होगा, वो दोस्तों फ़र्क पड़ेगा, उससे दोस्तों फ़र्क पड़ेगा आपके हायर एजुकेशन में। आपके हायर एग्ज़ाम जो होंगे लाइक जेई नीट के, जैसे कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उस चीज़ पर दोस्तों आपका फ़र्क पड़ेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर देखते हुए उन्होंने, स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने चाहिए। दोस्तों आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। और जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम कम से कम दोस्तों 30 से 40 दिन पोस्टपोन करना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी स्टडी नहीं हो पा रही है। कोरोना वायरस को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर इस महामारी में हम ऑनलाइन स्टडी नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों एक खबर के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 40 से 30% स्टूडेंट एबसेंट रहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, और जो बेस्ट तरीका है, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है, टीचर का कहना है, और यहाँ पर पेरेंट्स का कहना है कि यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन स्टडी में, तो यहाँ पर दोस्तों पोस्टपोन कर देना चाहिए। अब पता नहीं बोर्ड क्यों प्रिंसिपलों की राय मांग रहा है, तो इसको लेकर कुछ कह नहीं सकते। तो आप सबसे पहले बात करता हूँ कि आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो देखो आप मेरे अपने हो, तो आपको मैं एकदम झूठी दिलासा नहीं देना चाहता। मेरे पास इस चीज़ को लेकर कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है कि आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपकी डेट शीट कब आएगी, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ दोस्तों किसी भी यूट्यूबर को नहीं पता होगी। ठीक है दोस्तों, ये एक सच है कि सीबीएसई ने अभी इस चीज़ को लेकर कोई सी भी अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप लोग जानना चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपकी डेट शीट कब आएगी, फिर भी आप लोग जानना चाहते हो, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो दोस्तों मिड मार्च में होने की यहाँ पर पूरी संभावना है। ठीक है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपके डेट शीट आएगी वो दोस्तों आपके फर्स्ट वीक में आ जाएगी, दिसंबर के फर्स्ट वीक में या नवंबर के एंड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके डेट शीट आने के पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात जो कहा जा रहा है कि 50% जो सिलेबस है दोस्तों वो रिड्यूस नहीं होगा। तो दोस्तों काफ़ी सारी अफवाह फैल चुकी है, काफ़ी सारी वीडियो भी बन चुकी है कि 50% सिलेबस होगा। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ फॉलो करो इन्फॉर्मेशन के लिए, वो दोस्तों आप सीबीएसई के ऑफिशियली वेबसाइट पर फॉलो करो। दोस्तों सीबीएसई की तरफ से दोस्तों अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है 50% सिलेबस रिड्यूस को लेकर, और 40% सिलेबस रिड्यूस को लेकर भी दोस्तों कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि 10% और इसको दोस्तों सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन अभी इस पर विचार चल रहा है, और इस चीज़ को लेकर जल्द ही कोई खबर निकल कर आ सकती है। तो चैनल पर ज़रूर बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। तो आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि ये समय कितनी जल्दी आया और कितनी जल्दी चला गया। सो प्लीज़ अपनी तैयारी ज़रूर करते रहिए, आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 10th और 12th हो, अपने 10th की इम्पोर्टेंस को दोस्तों समझो और स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।